हाय गाइस, डीके किचन में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और अगर मेथी के परांठे ना खाए जाएं तो मज़ा नहीं आता। तो आज हम बनाएंगे मेथी के परांठे अलग तरीके से। जल्दी से किचन में जाएं और ये रेसिपी ट्राई करें। तो गाइस, आज हम बनाएंगे मेथी परांठा विद पनीर स्टफिंग। तो बिना देर किए सबसे पहले हम परांठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो हमने सबसे पहले तो देखिए इतना आटा लिया मैंने। आटा डाल देंगे परात में। तो गाइस, हमने आटा डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, एक चम्मच डाला है हमने। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच। अब हम इन सब जो हमने मसाले डाले थे वो सब आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हम मेथी डालेंगे। मेथी देखिए पहले ही धोकर मैंने रख दी थी, धोकर मेथी डालिएगा। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। अब हम इसे भी आटे में मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे। लगभग 2 स्पून के करीब इसमें हमने रिफाइंड डाला है। रिफाइंड डालने से ये परांठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो गाइस, अब हम इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गूंथते जाएंगे। गाइस, आटे को ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदना है और ना ज़्यादा बहुत सॉफ्ट गूंदना है। देखिए ये हमारा आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब हम आटे को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे प्लेट से ढककर रख देंगे। तो जब तक हमारा आटा तैयार होता है तब तक हम पनीर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब हम सबसे पहले पनीर डाल देंगे। पनीर लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम बहुत ही कम क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी मेथी के आटे में डाला हुआ है। नमक थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं। ये लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने देखिए इतना सा लिया है। इसमें अब मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालूँगी, इतना सा। और ये डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर, बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेना है अब हमने। ये थोड़ा सा देखिए इतना सा है गरम मसाला और इतना सा है जीरा पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पनीर को मैश कर लेंगे। तो गाइस, अब हम गैस ऑन कर देंगे और तवा रख देंगे। अब हम आटे का ये डो ले लेंगे। वैसे ही हमने डो ले लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा हल्का बेल लेंगे और इसके अंदर हम अपनी ये स्टफिंग डाल देंगे। और इसे ऐसे कर लेंगे। अब इसे हम पहले हल्के हाथ से ऐसे बेल लेंगे थोड़ा सा, और इसमें हम ये सूखा आटा लगा देंगे और इसे ऐसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। अब हम तवे पे थोड़ा सा ऐसे
घी डाल देंगे और अब हम इस परांठे को तवे पे डाल देंगे। चलिए गाइस, अब इसे हम एक साइड से पलट लिया हमने, दूसरी साइड से भी हम पकने देंगे। मैंने पनीर में मटर नहीं डाले, अगर आप चाहें तो पनीर में मटर भी डाल सकते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसे भी पलट लेंगे, ये मैंने पलट लिया है। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे और इसे पलट देंगे ऐसे। बहुत ही परांठा टेस्टी लग रहा है। यम्मी लग रहा है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। तो गाइस, ये हमारा परांठा, मेथी परांठा विद पनीर स्टफिंग रेडी है। आप चाहें तो इसे दही, चटनी, सॉस, मक्खन के साथ खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।